हाय एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड डीआईवाईज की। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है वाव का सनस्क्रीन। बिकॉज समर आ गई है और समर में हमें सनस्क्रीन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सनस्क्रीन पर बहुत ही अच्छे से और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने सनस्क्रीन पर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाई है कि सनस्क्रीन हमें क्यों लगाना चाहिए, इससे नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन पर क्या इफेक्ट होगा, एवरीथिंग सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। अभी जैसे ही समर आया है तो मैंने अभी वाव का रिसेंटली मंगाया है सनस्क्रीन, तो मैं देखना चाहती थी ये कैसा है। इससे पहले मैं न्यूट्रीजेना का, लैक्मे का, एस्टाबेरी का और गुड वाइब्स का यूज़ कर चुकी हूँ, तो अभी रिसेंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसा लगा है मुझे। तो आप देखिए, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग इतनी बहुत ही सुपर पैकेजिंग में आपको मिलता है, इस तरह के पूरा एक अच्छे वाले बॉक्स के अंदर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ लिखा है वाव स्किन साइंस मॉडरेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन मैट फिनिश SPF 45। यहाँ पर SPF 45 का मैंने लिया है एंड ऑल स्किन टाइप है ये। और इसमें आपको ये जो 3 फ्रूट्स लगे बने हुए हैं ना, तो इसमें इन तीनों का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि नेचुरल सन ब्लॉकर है, रसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल, ये 3 इसमें मोस्ट मेन इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। एंड नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो एक्सिट और नो ऑक्साइड कलर, किसी तरह का कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, और नेट इसका जो क्वांटिटी है वो है 100 ml दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गई सारी इसकी बात। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो है 375 MRP। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है 375। एंड इसका जो शेल्फ लाइफ है वो है नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 का शेल्फ लाइफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन सारी चीज़ें हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अप्लाई सनस्क्रीन एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर, आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना होता है। ठीक है, एंड इसके बाद में आप लोग उसके ऊपर कुछ भी अपना मेकअप वगैरह कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो 3 इंग्रेडिएंट जो डाले हैं ना, वो इंग्रेडिएंट क्या काम करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली इसमें जो रसबेरी एक्सट्रैक्ट डाला है वो रिच इन विटामिन सी, बहुत ही ज़्यादा उसमें विटामिन सी से भरपूर है वो, एंड विथ नेचुरल सन ब्लॉकर एंड प्रिवेंट एंड हील स्किन डैमेजेस यूज्ड बाय सन। ठीक है, एंड जो कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट है वो है रिच इन विटामिन ए एंड ई, एक्सीलेंट एट स्टॉपिंग एंड हीलिंग फोटो डैमेज एंड साइन ऑफ एजिंग। एंड एवोकाडो जो है ऑयल उसमें है नेचुरल सनस्क्रीन बेनिफिट्स है, आपके सन की टैनिंग से आपको बचाएगा। ठीक है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और इसे मैं कम से कम कितना बार, मैंने 5 से 6 बार यूज़ कर लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसको मैंने ओपन कर लिया है और इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी वाली ट्यूब मिलेगी आपको, इस तरह से गोल्डन इसका कैप है एंड ये टिकटॉक वाला कैप है, ये देखिए। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल जो मैंने अभी बताया बॉक्स के ऊपर था वही सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर लिखी हुई मिलेगी, एवरीथिंग यहाँ पर शेल्फ लाइफ एवरीथिंग सब कुछ लिखा हुआ है। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसका टेक्सचर, ये देखिए, और पता है इसको लगाने के बाद में आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी फेयरनेस क्रीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हल्का सा आप इसको लगाएंगे ना तो ये आपके फेस पर एक फेयरनेस भी दे देता है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप खुद देखिए, आप लोग देखिए मेरा हैंड देख ही रहे हैं ना लगाते लगाते। और एक ये मैट फिनिश देगा आपको, जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना वो लोग तो पक्के से इसको खरीद लेना, क्योंकि आपकी स्किन पर लगाने के बाद में आपको मैट फिनिश देने वाला, ये देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर फ्रेशनेस भी लग रही है और थोड़ा फेयर लुक भी आ रहा है ना। और ये आप ये वाला हैंड देख सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना तो मुझे पूरे दिन, आपको बताऊँ, मेरा स्किन है ना एकदम फ्लॉलेस लगती है एंड एकदम फेयर लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी ही कुछ फेस पर अपने अप्लाई किया है, मतलब एक फ्रेश लुक आता है ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है जब से मैंने इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसकी फ्रेगरेंस वाओ, बहुत ही अच्छी वाली फ्रेगरेंस है, मतलब क्या बताऊँ मैं,
बहुत ही अच्छी वाली फ्रेग्रेंस, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी और मैट फिनिश है ही। और आपको इसको कम से कम 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हर सनस्क्रीन को ऐसा ही करना होता है, आपको 3 से 4 बार वापस रीअप्लाई कर लें। एंड मॉर्निंग में बाहर जाएं तो इसे ज़रूर लगा कर जाइए। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मैं इससे पहले न्यूट्रीजिना का यूज़ कर रही थी, वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मुझे मैट फिनिश दे रहा है। वो थोड़ा सा किसी वक्त ऑयली हो जाता था, लेकिन ये ऑयली नहीं हो रहा है। ये मतलब फेस को लगाने के बाद कुछ टाइम, 1 घंटे बाद आपका फेस थोड़ा सा ग्लो भी करता है, मतलब आपका फेस रियली में ग्लो ऐसा लगता है, कहीं कहीं से स्किन काफ़ी चमक रही है ना। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइस थोड़ी सी बोल सकते हैं 375 बड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये ऑफर में मिला था, तो बहुत ज़्यादा ऑफर इस पर नहीं था, लेकिन हाँ मुझे ये 20 या 25 ऑफर में था, इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं था। एक्चुअल प्राइस मुझे याद नहीं कितने में आया था, लेकिन इसका जो है वो थोड़ा ऑफर में ही मुझे मिला था। तो आप लोग चाहें तो इसे ज़रूर बाय कर लीजिए। मैंने पर्पल से ही मंगाया, आपको नायका पर्पल अमेजोन एवरीथिंग सब जगह मिल जाएगा, आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली वहां से मिल जाएगा, और लिंक में मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां जाकर भी चेक कर लेना। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट। और आपको पता है इतना सारा, आप 100 ml है तो इजीली ख़त्म होने वाला तो है नहीं, तो आप लोग ज़रूर एक बार इसे ज़रूर परचेज कर लेना और आप देखना कैसा है ये, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। वैसे अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे मैंने सनस्क्रीन पे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाई है, उनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां जाकर उसे चेक जरूर कर लेना, देख लेना आखिर इसे क्यों लगाना चाहिए स्किन पर। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, आप लोग बोलते हो ना काफी लोग मेरी स्किन काली हो गई, मैं काली हो गई काली हो गई, एक्चुअली आपको टैनिंग हो जाती है स्किन को, क्योंकि थोड़ा सा धूप में हम बाहर गए नहीं और हमें टैनिंग हो जाती है धूप की, जो मतलब बहुत ज्यादा ये हार्मफुल होती है, रेज UVA UVB ये बहुत हार्मफुल होती है। आप लोग मतलब मुझे नहीं लगता सब लोग सनस्क्रीन लगाते होंगे, आप मेरी वो वीडियो जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जरूर देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा ये कितना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, एंड लाइक तो बनता ही है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।